excitement. Bits and Dean! That's the love I'm looking for. Thank you so much. My name is Mani. And I'm going to make sure that this session of yours is going to be one of the best. क्योंकि भाई हम इंडियंस जो है जीने के लिए खाते थोड़े ना, हम तो खाने के लिए जीते हैं, राइट? मूड खराब है, खाना चाहिए, प्यार का मामला है तो भाई दिल का रास्ता भी पेट से होकर जाता है. मम्मी नाराज है, मम्मी के लिए कुछ बना दो, मम्मी खुश हो जाती है. एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, मम्मी कुछ बना के खिला दे, तब मजा आ जाता है. आता कि नहीं आता है? तो इसी मजे को और ज्यादा वन नॉच हाई लेने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए फूड फेस्टा. अच्छा, जस्ट टू गिव अ ब्रीफ अबाउट द लिविंग फूड्स इटसेल्फ, सो ये इंडिया का पहला फूड टेनमेंट चैनल है, वेयर फूड इज फन. कौन कहता है कि खाना बनाना सिर्फ और सिर्फ किचन में ही कंफाइंड है? आजकल आई वुड से इट्स नथिंग लेस देन आर्ट, आई वुड से कला है खाना बनाना भी. एंड आइए उसी कला को आज सल्यूट करते हैं. आप बीच में आपके अंदर के हर एक कलाकार को सल्यूट करने वाला है आज लविंग फूड्स. एंड एज यू ऑल नो कि आज का जो हमारा इवेंट है दो हिस्सों में डिवाइडेड है. पहले हिस्से में हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स रणवीर बरार, आप सबके चहीते, एंड ओह माय गॉड, यू स्माइल, डू यू हैव अ क्रश ऑन हिम? डू यू? आह, यू डू. अच्छा, मैंने इस साइड देखा नहीं था, बिकॉज दीज टू गर्ल्स आर स्माइल एट द सेम. ओके, आयशा, टेल हिम ही विल बी रियली इंप्रेस्ड. And yes, none other than Gautam Maharishi will also join us. So, pehle they're going to present one of their delicacies. वैसे तो भाई जयपुर को किसी भी teacher की जरूरत नहीं है, but I would say teaching की या कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. And मैं अभी बस जयपुर के बारे में पढ़ी रही थी, तो जयपुर को pink city तो हर कोई जानता है, कहा जाता है, लेकिन जयपुर to my utter surprise is also known as the dessert city of India, which is like really lovely. मुझे नहीं पता था अभी तक. And आप believe नहीं करेंगे, आज airport से जैसे ही मैं land हुई cab में, the moment I hopped, I said, अच्छा यहाँ पे आसपास कौन से fort है? And second question to my cab driver was कि अच्छा यहाँ पे क्या-क्या मिलता है खाने के लिए? Because I've heard a lot about dal bati churma and प्याज की कचौरी, right? So let's see. मैं इसको टेस्ट करके आप सबको जरूर बताऊंगी कि कैसा टेस्ट था. मैम आप थोड़ी बोर्ड लग रही है मुझे जी, क्या हो गया? बट ऐसे थोड़ा ना, स्माइल कैसे आ गया? लड़ाई कर कर आए हो? वेज हस्बैंड, यू नॉट मैरिड, फिर भी ऐसे, ये हाल तो शादी के बाद होता है. You can probably relate to me. You have a crush on Ranveer Barat. You're not really happy with your marriage. आपकी शादी हो चुकी है, right? मैम कितने साल हो गए? Not yet. Oh God. Okay, then you're entitled. Okay. So nonetheless, but yes, आज मेरे पास एक